इंडियन नेशनल लोकदल भी बसपा के साथ मिलकर वापसी नहीं कर सकी। इनेलो के प्रधान महासचिव व 5 बार के विधायक अभय चौटाला को कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल से अपनी परंपरागत एलनाबाद सीट से करारी हार मिली है। हालांकि उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने रानिया और डबवाली से उनके चचेरे भाई आदित्य चौटाला ने जीत दर्ज की। इनेलो 2019 के चुनाव में जजपा की तरफ गए मतदाताओं को वापस लाने में विफल रही। बसपा के साथ मिलकर दलित मतदाताओं को साधने का दांव भी फेल हो गया। बसपा ने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट अटेली पर टक्कर दे पाई। 2019 विधानसभा चुनाव में 2.44% वोट लेने वाली इनेलो के सामने अपना चुनाव चिन्ह बचाने के लिए चुनाव आयोग के नियमों के तहत कम से कम 6% वोट या 2 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी था। इस बार पार्टी को 4.22% वोट मिले हैं। बसपा ने 2019 में 4.16% वोट हासिल किए थे। बसपा को इस बार 1.82% वोट मिले हैं। एलनाबाद से अभय करीब 15,000 से हार गए, जबकि फतेहाबाद से सुनैना को केवल 9,681 वोट मिले। उनकी जमानत जब्त हो गई। अब जान लेते हैं कि हार के प्रमुख कारण क्या है। इनेलो से टूटकर जजपा का अलग चुनाव लड़ने से वोट बैंक का बिखरा हुआ। बुजुर्ग होने के नाते पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का ज्यादा प्रचार व रैलियों में शामिल नहीं होना ये भी एक प्रमुख कारण है। भाजपा कांग्रेस के देरी से उम्मीदवार घोषित करने पर मजबूत प्रत्याशियों का नहीं मिलना और बसपा का साथ पाकर भी दलित मतदाताओं को साथ नहीं पाए, ये कुछ प्रमुख कारण हैं हार के। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।